Assalamu alaikum friends, ये है MIUI 9 की सबसे पहली VoLTE ROM friends. अगर आप जानना चाहते हैं इस ROM के बारे में क्या कुछ खास दिया गया है इस ROM में और क्या आपको मिल जाएंगी इसमें खास चीजें, तो ये जानने के लिए देखते रहिए. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एस्मा इरफान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द स्मार्ट टेक्निकल वर्ल्ड. सो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाला हूँ कि MIUI की सबसे पहली VoLTE ROM जो है वो है MIUI 9 जो बीटा वर्जन के साथ है. ये है 7.9.15 जो है बीटा वर्जन MIUI की तरफ से जो मार्शमेलो में दी गई है सबसे पहली ROM. अभी तक आज तक जितनी भी MIUI की ROMs है वो आई है सिर्फ लॉलीपॉप में, और ये सबसे पहली ROM VoLTE ROM है जो आई है मार्शमेलो में यानी कि 6.0. सो फ्रेंड्स, का कैरनल वर्जन भी चेंज है, वो है 3.18.19 प्लस. तो फ्रेंड्स, कुछ खास क्या है इसमें दोस्तों? सबसे पहली खास बात जो है वो है VoLTE ROM. अगर आपको ऊपर शो हुआ होगा तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे VoLTE शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप ये ROM डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे और डायरेक्टली VoLTE ढूंढना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे VoLTE का कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा. ये बताने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर आप इस ROM को डाउनलोड करते हैं दोस्तों तो आपको VoLTE पैच अप इसके साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा. जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास अभी VoLTE पैच अप p1m जो है अभी यहाँ पे मौजूद है. दूसरा, अगर आप चाहते हैं, अगर आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं दोस्तों फ़ोन को, तो आपको ये सब शो नहीं होगा, खाली पावर ऑफ शो होता है. और इसके लिए आपको यहाँ पे पावर मेनू पैच अप भी डाउनलोड करना पड़ सकता है दोस्तों. अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं कि आपका जो फ़ोन है यहाँ पे डायरेक्टली एरोप्लेन मोड, साइलेंट मोड, रिबूट डिवाइस एंड पावर ऑफ शो करे, तो आपको पावर मेनू पैच अप डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों. लेकिन दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली ये ROM इंस्टॉल करेंगे तो फिर से बताना चाहूँगा कि आपको ये ROM काम नहीं करेगी VoLTE में. आपको डायरेक्टली, लेकिन जितनी भी VoLTE की ऑप्शन है वो आपको सब शो होगी, लेकिन आपका फ़ोन जो है वो LTE ही रहेगा, VoLTE यहाँ पे काम नहीं करेगा दोस्तों. तो बात करेंगे दोस्तों बग्स की कि आपको इसमें क्या कुछ बग्स मिल रहे हैं दोस्तों. सबसे पहला बग जो है कि आपको कभी कभी जब आप फ़ोन को रिबूट करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो सही से काम नहीं कर पाता है. और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है दोस्तों कि बहुत से बंदे आज तक मुझे, चाहे वो AOSP की VoLTE ROM हो या MIUI की ये VoLTE ROM हो, बंदे बताते हैं कि हमने जब अपने फ़ोन में ये ROM इंस्टॉल की या AOSP इंस्टॉल की तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा कि वो फ़ोन जो है ऑन ऑफ होता रहता है. और आपका जो फ़ोन है बहुत टाइम, कभी कभी बहुत, एक बंदे ने कहा था कि मेरे पास 8 घंटे लग गए थे कि AOSP VoLTE ROM को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए. दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप कंटिन्यूसली बात करेंगे 15 मिनट तक कोई भी बात किसी भी फ़ोन पे बात करेंगे या इस फ़ोन से कोई भी नंबर डायल करेंगे तो दोस्तों 15 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद या 14 मिनट 58 सेकंड या 14 मिनट 57 सेकंड पर आपको एक बीप सुनाई देगा. और बीप सुनाने के बाद आपकी जो पूरी सिग्नल है, पूरी की पूरी सिग्नल जो है वो डिलीट हो जाती है, काम नहीं कर रही है. तो फ्रेंड्स, ये कुछ बग्स थे इसमें जो मुझे लगता है कि आज तक जो ROM आई है Lenovo p1m के लिए VoLTE में, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत रही होगी. क्योंकि दूसरी बात दोस्तों ये मुझे लगी कि इस ROM में कि जब भी आप कोई, मिसाल के तौर में आपको यहाँ पे एग्जांपल भी शो करूँगा दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें शो होगी, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको APK इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करूँगा. अब आप देखेंगे दोस्तों एक नया लुक, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो पैचअप है ये Lenovo, ये MIUI का नहीं है. मुझे लगता है कि ये किसी कस्टम अदर ROM का ये पैचअप किया गया है. VoLTE जो है Lenovo MIUI 9 की ये पैचअप किया गया है किसी और ROM के साथ. आपको यहाँ पे 3 पैचअप फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ रहा है. पहली जो पैचअप फाइल है वो है VoLTE की, दूसरी जो है पावर मेनू की, और तीसरी जो अगर आप अपना कैरनल वर्जन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा क्योंकि उन्होंने कैरनल वर्जन भी साथ दिया है, शायद वो कैरनल वर्जन जो है आपका कुछ टाइम के बाद काम करता है या आपको कुछ और चीज़ें दे सकता है. तो मुझे, मैंने वो इंस्टॉल किया था अपने हैंडसेट में, तो वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हुआ कि कैसे वो काम कर रहा है.
तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे शो हुआ होगा तो आप डायरेक्टली सोचेंगे कि दोस्तों कि ये जो है जब भी MIUI की रोम इंस्टॉल होती थी तो अलग से MIUI का अपना लुक है कि जहाँ से आप रोम को इंस्टॉल कर पाए हो या आपको परमिशन देनी पड़ती है वहीं पे आपको एप्लीकेशन ओपन करने के टाइम पे कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। आप डायरेक्टली उसको वहीं पे जहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको MIUI में वहीं पे परमिशन लेनी पड़ती है सब चीज़ों की, आपको बार बार दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों। और एक बात दोस्तों कि जब भी आप फ़ोन को चाहे आप फ़ोन करें या ना करें, अगर आप फ़ोन लगातार करेंगे 15 मिनट तक या अगर आप फ़ोन को ऐसे रखेंगे तो आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो मुझे ये भी परफेक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब मैंने कल ये रोम इंस्टॉल की थी तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि अगर मैं फ़ोन को बंद रखता हूँ या स्क्रीन ऑफ रहती है तो कुछ देर के बाद चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा चाहे 3 घंटे के बाद जो है सिग्नल पूरी की पूरी गायब हो जाती है और आपको यहाँ पे ऊपर टावर बार नहीं दिखते, आपको खाली नो सर्विस शो हो रहा है। तो ये एक सबसे दिक्कतों वाली बात है दोस्तों कि इस रोम के लिए अगर VoLTE आई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये रोम आपके फ़ोन के लिए कंपेटेबल है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें बग्स दिखाई दे रहे हैं कि एक तो मैं बग्स कहूँगा यार तो बग्स किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप डिलीट बदल भी सकते हैं या उनमें कुछ मॉडिफिकेशन या उनको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू दूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक दोस्तों कि ये जो बात है इस रोम में आप ये बग मुझे नहीं लगता कि दूर कर पाएंगे, क्योंकि जब भी उसके बाद आप नेटवर्क सर्च पे जाते हैं यहाँ पे आपको मेरे पास अभी जियो 4G है और वोडाफोन है तो दोनों पे आपको SIM 1 SIM 2 दिखाई देगा अगर आपकी सिग्नल गायब होती है तो दोस्तों और कुछ खास तो अभी मुझे दिखा नहीं इस रोम में, बस ये एक खाली ऐसी रोम है कि जो अभी तक पैच अप की गई है किसी और रोम के साथ, मे बी ये मार्शमेलो की होगी कोई लीनेज या कोई भी और जो सपोर्ट करती है दोस्तों आपके फ़ोन को या आपके फ़ोन के मार्शमेलो साइनोजन मोड की तरफ से दिया गया हो। तो ये एक पैच अप है दो रोम उसके बदले। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे दोस्तों कि आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी, जब होम प्रेस करेंगे या आप कहीं पे भी जाएंगे बैक करेंगे या कुछ भी तो आपको यहाँ पे जो शो होता है नीचे मेन्यू होम ये शो हो रहा है। तो और कुछ तो अभी तक मुझे कुछ खास लगा नहीं दोस्तों इसमें, क्योंकि जो भी चीजें इसमें दी गई है वो शायद आपने इससे पहले भी यूज की होंगी। तो ये कुछ दोस्तों चीज़ें थी आपको बताने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों। एम करता हूँ दोस्तों 50 से 100 लाइक्स का। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँ तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ मेरे मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं या किसी अन्य रोम पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट किया कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, साथ ही साथ जो लाइक और शेयर बटन हैं। और अगर आपका कोई भी सुझाव सहायता सवाल या राय हो मेरी वीडियो मेरे चैनल या मेरे बारे में तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको प्रॉब्लम भी आए कोई दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही कुछ, अगली वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस मोमेंट अहेड, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। थैंक यू जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी चीज़ें लेके आऊँ। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही कुछ, हैव अ नाइस मोमेंट अहेड दोस्तों, थैंक यू।